गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट टेंजेंट 28 इज इक्वल टू कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। मतलब कि अब आपने इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक साइड को प्रूफ करके दूसरे के इक्वल रख देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो टेंजेंट 28 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री हमने नियरेस्ट एंगल से लेकर चलना है ना, फिर हमने इसमें लगा दिया टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो कि है ये वाला, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये टेंजेंट ए, ए क्या है यहाँ पर, ए है हमारे पास 45 डिग्री, बी क्या है मेरे पास 17 डिग्री। तो ए की जगह क्या आ गया 45, बी की जगह आ गया 17 डिग्री, तो क्या बन गया टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 17 डिग्री अपॉन वन प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 17 डिग्री। दूसरा, तो अब टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल है, 1 के। टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल है, 1 के। और तो यहाँ पे हमने टेंजेंट 45 की जगह क्या लिख दिया, 1। तो 1 माइनस टेंजेंट 17 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 17 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा आंसर जो है वो हमें साइन और कॉस में चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आप कर दिया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 17 डिग्री। चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे थीटा लगा लो, मतलब वही है, आपने एंगल को कोई नाम दिया है, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप, ठीक है, तो आपका जो टेंजेंट था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, साइन ओवर कॉस में। तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन ओवर साइन 17 अपॉन कॉस 17 अपॉन 1 प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री। उसके बाद मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम लेकर क्या आ गया, कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास ये रह गया, क्या रह गया, कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री, जो कि हमने प्रूव करना था। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या चीज़ें हुई कि पहले हमने 28 को 40 माइनस में कन्वर्ट किया, 40 माइनस 17 डिग्री में, उसमें हमने टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हमारे पास एक एंगल 45 डिग्री का बन गया था, तो उसमें 1 पुट कर दिया। उसके बाद साइन और कॉस में आंसर चाहिए, इसलिए हमने टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, सिमिलर जो सेकंड है वो भी ऐसे ही है, उसमें बस 45 यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, ऊपर ए माइनस बी का लग गया, ये भी सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला फिर से एक बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रूव बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दैट टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 25 डिग्री प्लस 2 टेंजेंट 40 डिग्री। अब इसमें सारा कुछ हमें किस में चाहिए, टेंजेंट में, फिर मैंने वही LHS लिया। अब LHS में जो है 65 डिग्री, आंसर चाहिए हमें 25 डिग्री और 40 डिग्री में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्रीज हैं। अब हमारे पास 2 डिग्रीज हैं, एक 25 डिग्री, एक 40 डिग्री दिया हुआ है, एक 65 डिग्री। अब ये जो 65 डिग्री है वो इन दोनों की एडिशन से बनता है, 65 डिग्री क्या बन रहा है, इन दोनों की एडिशन से। मतलब कि अब मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी तो मुझे पता चल गया कि मैं 65 डिग्री
को जो गिवन एंगल है उसमें लिख सकती हूँ, उसमें तोड़ कर लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी राइट हैंड साइड पर मुझे 25 डिग्री भी दिया हुआ है, 40 डिग्री भी दिया है, जिसका सम 65 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने क्वेश्चन ही वैसे स्टार्ट किया कि 65 डिग्री को मैं 40 और 25 डिग्री में लिख लूँगी, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद आंसर आपको किस में चाहिए, टेंजेंट में, तो मैंने टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, उसके बाद क्या हुआ आपके पास, 65 डिग्री टेंजेंट, 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री। अब आपके पास फॉर्मूला लग गया टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, जो क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। आपने वो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया। अब क्या किया आपने, एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो हमने टेंजेंट 65 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री, उसमें टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जो ये है, जो अब मेरे पास ये वाला पोर्शन है ना, इसमें मैंने अब ये वाला पोर्शन जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 25 डिग्री, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया उधर ले जाके, इसको मैं लेगी इसके पास, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, टेंजेंट 65 और फिर टेंजेंट 40 डिग्री टेंजेंट 25 डिग्री टेंजेंट 65 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 25 डिग्री। अब टेंजेंट 65 मैंने ऐसे ही रखा फर्स्ट वाला, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा माइनस टेंजेंट 40 डिग्री भी ऐसा, टेंजेंट 25 डिग्री भी ऐसा। अब टेंजेंट 65 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 25 डिग्री, उससे वो किस में बदल गया, कोटेंजेंट 25 में, किस में बदल गया, टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो बन गया कोटेंजेंट 25 डिग्री। उसके बाद टेंजेंट और कोटेंजेंट कैंसिल हो गए, क्योंकि टेंजेंट कॉट जो होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये बन गया मेरे पास 1। उसके आगे अब टेंजेंट 65 डिग्री माइनस टेंजेंट 40 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 25 डिग्री। अब टेंजेंट और टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट जो है इधर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 2 tangent 40 degree, उस माइनस वाला टेंजेंट मैं राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, 2 tangent 40 degree और दूसरा टेंजेंट 25 डिग्री। तो टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 25 डिग्री प्लस 2 tangent 40 degree। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इज, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, फिलअप क्वेश्चन है, कि बताना है कि इसका आंसर क्या होता है। अब मैं आपको इलैबोरेट करके करवा रही हूँ, आपको अगर हो जाता है तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की फॉर्म में दिया हुआ, तो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, याद रखना, जहाँ पे साइन और कॉस इकट्ठे चल रहे हैं वहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी लगेगा, ठीक है, जहाँ साइन कॉस चल रहा है वहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी लगेगा। तो ए वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री, बी दी हुई 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 डिग्री कितना बन गया, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो होती है रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 2 रूट 2। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन, वन एंगल 1325 डिग्री क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है या नहीं। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो पूरा एक सर्कल है, जब हम किसी सर्कल का ऐसे क्वाड्रेंट बनाते हैं, जो कि मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है, ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और दोबारा से 360 डिग्री। जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बन जाता है 360 डिग्री।
अब जब हमें कोई एंगल 360 से बड़ा दिया गया है, फिर हम उसको देखते हैं क्या वो 360 को क्रॉस करके वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसके लिए पहले मैं ये देखूंगी कि 360 से जब मैं किस डिवाइड करती हूँ तो ये नियरेस्ट कौन से नंबर पे जाता है। तो वो गया मेरा 3 पर, क्या बन गया 1080, पीछे बचा 245, है ना। अब 245, 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन बार 3 × 360 degree है ना, एक 360 degree, उसके बाद दूसरा 360 degree, उसके बाद तीसरा 360 degree, है ना। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब उसके बाद ये 0, 90 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, है ना। अब जब यहाँ से मैं चली, यहाँ तक 90 कवर किया, यहाँ तक 180 कवर किया, अब यहाँ से वो 245 डिग्री है, मतलब कि वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है नंबर, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं लाई करेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, ये बना थर्ड, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, थर्ड में, ना कि फर्स्ट में। नेक्स्ट, साइन सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट थीटा, तो ये भी बताना है ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है, ठीक है। तो आज के हमारे पास ये 5 क्वेश्चन किए हमने, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 2 में टेंजेंट के फॉर्मर लग रहे हैं, बाकी आपके एक में साइन का फॉर्मर लग रहा है और एक में क्वाड्रेंट पूछा है, ठीक है। थैंक यू।